ठंडी के सीजन में गरम गरम मटर पुलाव और साथ में रायता मिल जाए तो खाने का मज़ा ही दुगुना हो जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं आलू मटर पुलाव। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाहिद किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आलू मटर पुलाव की। ऐसे अक्सर आलू मटर की सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं, तो आज चलिए ट्राई करते हैं आलू मटर पुलाव। तो आलू मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मटर ले लिया है और साथ में ही मैंने 3 आलू ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से छील लिया है। तो चलिए आलू को हम कट कर लेते हैं। आलू को हम बड़े बड़े टुकड़ों में कट करेंगे। अगर आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो आलू हमारी गल जाएगी और चावलों में नहीं दिखेगी, तो आप इसको बड़ा ही काटिए। तो सारे आलू को मैं पानी में डाल दूंगी। पानी में डालने से आलू हमारे काले नहीं पड़ते। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को लिया है। इसको मैं रफली स्लाइस में काट लूँगी। तो चलिए प्याज को मैंने अच्छे से काट लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने प्याज को काटा है। चलिए अब टमाटर को भी काट लेते हैं। टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे, आप देख सकते हैं। प्याज टमाटर को मैंने रेडी कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 बॉल में चावल ले लिया है, बासमती राइस मैंने लिया है। आप चाहे तो कोई भी चावल ले सकते हैं। ये 500 ग्राम चावल है, इसको मैं अच्छे से पहले वॉश करूँगी। चावल में पॉलिश वगैरह रहते हैं तो इसको अच्छे से 3 से 4 बार धो लीजिए और इसको आधे घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दीजिए पानी डाल के। तो चलिए इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, आधे घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। तो चलिए यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया की पत्ती लिया है। इसको हम अभी काट के अलग से साइड में रख लेंगे। तो चलिए दोनों चीज़ को मैंने काट लिया है, गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैं 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल दूंगी और 1 चम्मच घी डाल दूंगी। घी से पुलाव का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने 2 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 छोटी इलायची लिया, 2 बड़ी इलायची लिया, 1 मैंने स्टार एनिज लिया है और 5 से 6 यहाँ मैंने लौंग लिया है और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने शाही जीरा लिया है। शाही जीरा से हमारे पुलाव का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 तेज़पत्ता लिया है मैंने। सभी चीज़ों को मैंने ऑयल में डाल दिया है। अब मैं प्याज डाल दूंगी इसमें। मीडियम फ्लेम पे प्याज को फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई किया है। ज़्यादा प्याज को लाल नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन मैंने डाल दिया। अदरक लहसुन के साथ प्याज को अच्छे से भूनेंगे। तो चलिए अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने रेगुलर मिर्च डाल दिया है और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैं कश्मीरी मिर्च डाल दूंगी। और अच्छे से इन मसालों को भूनना है मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से भून लेते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी टमाटर जो मैंने कट करके रखे थे। टमाटर के साथ मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च, 5 से 6 हरी मिर्च यहाँ पे मैंने लिया है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद मैं थोड़ी सी पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद मसालों को अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भूनना है। तो चलिए अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। तो अब मैं इसमें मटर डाल दूंगी। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं। मटर के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। और अब इसमें मैं आलू डाल दूंगी जो मैंने कट करके रखे थे। आलू मटर को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनना है। अभी पानी कुछ भी नहीं डालना है। तो चलिए अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ दूंगी। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। आलू मटर हमारा अच्छे से हो चुका है। 50% यहाँ पे मटर भी गल जाना चाहिए और आलू भी आप चेक कर लेते हैं। देखिए अगर हम आलू को नहीं गलाएंगे तो पुलाव के साथ हमारे आलू अच्छे से नहीं गलेगी। तो देखिए आलू हमारा 50% गल चुका है। तो चलिए अब इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे और थोड़ी सी पुदीना की पत्ती डाल देंगे। इससे हमारे पुलाव का टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही बॉल लिया जिससे मैंने चावल नापा था। तो इसी बॉल से मैं यहाँ पे पानी को गर्म करके 3 बॉल इसमें पानी डाल दूंगी। और फिर आधा बॉल मैंने डाल दिया है, दोगुना नहीं डाला है, दोगुना से थोड़ा कम डाला है। तो चावलों को अब इसमें डाल देंगे पानी डालने के बाद और इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच यहाँ पे मैं डाल दूंगी गरम मसाला। आप चाहे तो बिरयानी मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी मैं 2 मिनट के लिए इसको फुल फ्लेम पे छोड़ूंगी।
फिर उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी इसको कवर करके। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ भारी सामान रख दिया है, इससे एयर बाहर नहीं आएगा। मैंने इसको किसी आटे से या अल्मोनियम फैल से कवर नहीं किया है, ये ऐसे ही बहुत अच्छे से दम हो जाते हैं। तो चलिए अब चावलों को दम पे छोड़ देते हैं और रायता रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा बॉल दही ले लिया, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। आधा छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाल दिया, आधा छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने काला नमक डाल दिया है और आधा छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाल दिया है और साथ में मैंने डाल दिया है चाट मसाला। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसको मैंने आधा काट लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खीरा काट लिया है और आधा टमाटर काट लिया है। सभी चीज़ों को मैं मिक्स कर दूंगी और एक हरी मिर्च भी मैंने काट के डाल दिया है। थोड़ा सा धनिया की पत्ती, थोड़ा सा पुदीना की पत्ती मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरह से आप रायता को रेडी करिए। चलिए अब पुलाव को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सुपर डिलीशियस हमारी पुलाव रेडी हो चुकी है। कितनी यम्मी, कितनी टेस्टी लग रही है। और हल्के हाथों से आप इसको निकालिए वरना हमारे चावल टूट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली बनी है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस ठंडी के सीजन में गरम गरम पुलाव बनाइए और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी मटर पुलाव की रेसिपी? और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ, लग रही ना टेस्टी? आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए या कहीं ट्रेवल कर रहे हैं वहाँ लेके जाइए। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही यम्मी लगते हैं खाने में। अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ा सा भी पसंद आती है तो कमेंट करके बताइए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए रायता के साथ मैंने इसको सर्व किया है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए मेरी रेसिपी को। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।